सीला और मैं आपके लिए एक और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चिकन बंस। आज मैं आपको चिकन बंस बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि मैंने इसमें अनियन ली है, मैंने 4 अनियंस ली थी, ठीक है, उसको चॉप करके यहाँ पर रख दिया है। और मैंने यहाँ पे मिर्चें ली थी, ठीक है, जो ग्रीन मिर्चें होती हैं, मैंने उसमें ग्रीन जो है उसको छोटे छोटे से चॉप करके रख लिया है। और इसी तरह रेड चिली को भी चॉप करके रख लिया है, ये भी मैंने फोड़ ली थी और ग्रीन वाली भी फोड़ ली थी। उसके अलावा मैंने जो है ये जो है मैंने शिमला ली है, एक ली है, ठीक है, इसको भी अच्छी तरह चॉप करके रख लिया है। उसके अलावा मेरे पास बॉयल्ड चिकन है, मैंने जो है 3 जो है लेग पीस लिए थे, ठीक है, उसको बॉईल करके और इसको चॉप करके रख लिया है। उसके अलावा ये जो है मैंने तल लिए हैं, ठीक है, ये जो है मैं बन के ऊपर इस्तेमाल करूँगी और किस तरह करूँगी वो तरीका मैं आपको बाद में बताऊँगी। उसके अलावा जो है मैंने कोलोंची ली है, ठीक है, इसका भी बन के ऊपर इस्तेमाल होगा। उसके अलावा मैंने मायनीज ली है 2 टीस्पून, उसके बाद मैंने चिली सॉस लिया है 1 टीस्पून, केचप लिया है मैंने 2 टीस्पून, उसके अलावा जो है सिरका है 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, और ये मिल्क है। और मिल्क के अंदर जो है मैंने चिकन के जो पानी था जो मैंने बॉईल किया था वो इसमें शामिल किया और उसको ग्राइंड कर लिया। अब मैं आपको इसके स्पाइसेस बताना स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने इसमें मस्टर्ड पेस्ट लिया है 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, और ये चिकन पाउडर है जो मैंने 2 टीस्पून लिया है, और नमक हसबे जायका। अब आप देख सकते हैं कि मैं आपको आटा बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम बन का आटा गूंद के रखेंगे क्योंकि उसके लिए टाइम भी चाहिए। मैंने यहाँ पे मैदा लिया है 2 कप, ये कप आप देख सकते हैं, इस कप में ही आप ले सकते हैं। ये मैंने 1 कप जो है मिल्क लिया है, 1/2 कप जो है मैंने ऑयल लिया है, उसके अलावा 1 टीस्पून इसमें शुगर डालेंगे, 1 टीस्पून जो है इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी मैं, उसके बाद जो है नमक डलेगा 1/2, उसके अलावा ईस्ट जो है वो 2 टीस्पून लूँगी मैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने जो मिल्क लिया है वो नीम गर्म लिया है। आप लोग जब गूंद रहे होंगे तो इसकी नीम गर्म दूध ही इस्तेमाल कीजिएगा। चीज़ों को ऐड करना इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं 2 टीस्पून जो मैंने ईस्ट ली थी उसको मैंने इस्तेमाल करना है। उसके बाद नमक मैंने 1/2 लिया था टीस्पून, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। उसके अलावा जो है 1 टीस्पून मैंने इसमें शुगर ली थी, और ये है जो बेकिंग सोडा, वो भी मैंने 1 टीस्पून लिया था। सब चीज़ों को पहले मैं मिक्स कर लूँ अच्छी तरह से, उसके बाद मैं उसमें ऑयल डालूँगी, ठीक है, 2 टीस्पून। अब मैं इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं जो है इसमें दूध डाल के इसको बीट करूँगी। आपके पास बीटर हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैं इसको हल्के हल्के मिक्स करती रहूँगी, ठीक है, दूध डालते रहेगा और मिक्स करते रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाला है और मैं इसको अब गूंदूंगी अच्छी तरह से, ठीक है। अब आप देख लेंगे मेरा आटा कितना अच्छा हो गया है। मैंने सिर्फ हैंड बीटर से किया था, आप भी इससे करें, ये सबसे आसान तरीका है आटे को गूंदने का। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको गूंद लिया है, ऊपर तेल लगाया। मैं एक दफ़ा और इसकी गूंदाई करके दिखा रही हूँ आपको, आप भी इसी तरह कीजिएगा, ठीक है। और फिर इसको 1/2 घंटे के लिए रख देगा, ठीक है, और ऐसी जगह रखेगा जहाँ थोड़ी गर्माइश हो ताकि ये जो है अच्छा आटा भून जाए। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसका एक पेड़ा बनाऊंगी गोल सा इस तरह से, और इसको बस बीच में रखिएगा गोल। इसके ऊपर मैं तेल लगा दूंगी और मैं अब इसको 1/2 घंटे के लिए रख रही हूँ। आप इसको 1 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। और इसको पूरी तरह से कवर कीजिएगा, ठीक है, कपड़े से कीजिएगा। सेकंड स्टेप ये है कि मैं इसमें चिकन जो बन के अंदर डलेगी उसको बनाना आपको सिखाऊंगी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनेगी। अब जो है आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें तेल जो है गरम कर लिया है, ठीक है। अब मैं बताऊँगी, सबसे पहले जो है आप इसमें प्याज डालेंगे और उसको हल्की सी ब्राउन करेंगे। जैसे कि मैं इसमें सबसे पहले तेल के बाद प्याज को डाल रही हूँ, ठीक है। इसको हम सौते करेंगे, ठीक है, हल्की सी ब्राउन कीजिएगा, ज़्यादा मत कीजिएगा। इसमें प्याज को ऐड कर दें और उसको ब्राउन करें। जैसे इसमें प्याज हो गई है, अब मैं इसमें शिमला मिर्च को ऐड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी पकेगी थोड़ी देर। उसके बाद मैंने ग्रीन मिर्च ऐड कर रही हूँ और जो रेड मैंने
मैं चिकेती हूँ। अब जो है मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी है, ठीक है। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले जो है मैं 1 टीस्पून जो है चिली सॉस डाल रही हूँ। स्पून जो है मैं सोया सॉस इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। उसके बाद जो है 1 टीस्पून जो है मैं इसमें सिरका डालूँगी। 1 टीस्पून जो है जो मैंने दूध नहीं बनाया था उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं सारी स्पाइसेस इसमें डाल रही हूँ जो जो मैं आपको बता चुकी थी, ठीक है। सब कुछ जैसे कि चिकन पाउडर, काली मिर्चें, नमक, लाल मिर्चें, गार्लिक पाउडर और मस्टर्ड पेस्ट। मैनी सेट कर रही हूँ जो 2 टीस्पून ली थी मैंने, ठीक है। आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिएगा। अब जो है मैं इसमें केचप भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है, जो हमने 2 टीस्पून लिया था। और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी। अब जो है मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, ठीक है। इसलिए कर रही हूँ ताकि ये थोड़ा जो है गाढ़ा गाढ़ा रहे, हमें बन में भरना है तो इसलिए इसको थोड़ा गाढ़ा होना ज़रूरी है। अब ये पक चुका है, मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसको निकाल लेती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो आटा था वो कितने अच्छा फूल चुका है। अब मैं इसकी एयर जो है वो निकालूंगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएं और इसकी एयर को निकाल दें। एक दफा और इसको भून लेते हैं। पेड़े बना लिए हैं, ठीक है। मैं पेड़े बना चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें बन कैसे बनेगा। अब जो है मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी और बेलना कि बन को कैसे बेलना है। अब मैं इसको बेल रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप इसको हाथ से भी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगी कि इससे कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इस तरह इसको कर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं बड़ा कीजिएगा क्योंकि बन बनाना है। अब मैं जो है इसको एक छन्ने में रख रही हूँ जो सबके घर में मौजूद होता है, ठीक है। अब जो है मैं इस छन्ने में अपने फिलिंग डालूँगी जो मैंने बनाई थी चिकन की, ठीक है। वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, उसको अपने हिसाब से भी भर सकते हैं, आपको जितना सही लगे। अब मैं इसमें मायनीज डालूँगी, आपके पास जो भी मायनीज हो आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें मायनीज ऐड करूँगी। अब जो है मैं इसको कोने से पकड़ पकड़ के इसको एक जो उसकी तरह आप देख सकते हैं ये एक पोटली बन जाएगा, उसकी तरह मैं इसको बनाऊँगी। देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप भी बनाइएगा इसको। इसको बंद कर दें और मैं जो है अब आप देख सकते हैं कि इसका देखें ऊपर से जो मुझे शेप चाहिए था वो आ गया है। देख सकते हैं मैंने अपने सारे बन को इस तरह तैयार कर लिया है। आप देखें 2 कप से मैंने मैदा लिया था, उसमें मैंने इतने सारे बन्स बनाए हैं। अब मैं इसमें अंडे को अच्छी तरह इस पर ग्रीस कर दूँगी, ठीक है। अच्छी तरह से इस पर लगाइएगा। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ये बन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी रेसिपी है। अब आप देखें कि मैंने इस पे अंडा लगा दिया है। अब मैं कुछ कुछ में मैं इसमें तेल डालूँगी, ठीक है। बिल्कुल बाहर की तरह लगेंगे ये आपको बन। अब आप देखें कि मैंने जो है कुछ कुछ में कलौंजी डाली है और कुछ कुछ में जो है तेल डाला है। मैं इसको ओवन में रखने जा रही हूँ और ओवन जो है मैंने 15 मिनट्स पहले अपना ऑन कर दिया था। अब जो है मैं इसको ओवन में रखने जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने ओवन को ऑन जो है 15 मिनट्स पहले कर लिया था, ठीक है। अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ। ये जो है 15 मिनट्स के लिए हम ओवन में इसको दे देंगे। आप देख सकते हैं कि ये रेडी हो चुके हैं। अब मैं जो है इस पे बटर जो है वो ग्रीस कर रही हूँ हल्का हल्का सा ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट रहें।